कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से दो लिस्ट निकाली गई है, इसका लगातार प्रदेश भर में विरोध चल रहा है। दूसरी लिस्ट में सीधी जिले के प्रत्याशी को भी घोषित कर दिया गया है। इनको लेकर भी थोड़ा कांग्रेस के खेमे में कभी खुशी कभी गम वाला मैटर देखा जा रहा है, क्योंकि आसार कुछ और लगाए जा रहे थे और निकल कर कुछ और सामने आ गया। लेकिन यह प्रत्याशी दिग्गज हैं, टक्कर बड़ी देखने को मिल सकती है। पूरी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं का हंगामा कल सुबह से शाम तक चला, जहां बैरसिया विधानसभा से राम भाई मेहर के समर्थकों ने सीएम कैंडिडेट कमलनाथ के दरवाजे पर मुंडन करवाया और ऐलान किया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता लावारिस है, पार्टी के प्रति निष्ठा और वफादारी का यहां पर कोई मूल्य नहीं है। इसके पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने दिग्विजय सिंह का पुतला भी जलाया गया। पवई और शिवड़ा विधानसभा सीट के सैकड़ों नाराज कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने धरना प्रदर्शन और नारेबाजी कर अपना विरोध दर्शाया। ये सभी पवई विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री मुकेश नायक और शेवड़ा सीट से घनश्याम सिंह को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे थे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके क्षेत्र में जनता के बीच कराए गए सर्वे और पार्टी कार्यकर्ताओं की सिफारिश के आधार पर नहीं, बल्कि दिग्विजय सिंह की मनमानी के चलते टिकट दिया गया है। यदि टिकट नहीं बदला तो यहाँ कांग्रेस की पक्की हार होगी। श्यामला हिल्स स्थित कमलनाथ के बगले पर नाराज कार्यकर्ताओं ने कपड़े फाड़कर और मुंडन करवाकर अपना विरोध दर्शाया। भोपाल की बैरसिया विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे राम भाई मेहर के समर्थक बड़ी संख्या में नाथ के बगले पर पहुंचे, मेहर को टिकट न दिए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन करने वाले सभी कांग्रेस कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं, यह आशार लगाए जा रहे हैं। हनुमान चालीसा पाठ भी किया जा रहा है। हनुमान